अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम टू एनदर व्लॉग। जी अभी शाम का टाइम हो रहा है, देखें ये देखें जी, सूरज ग्रूब हो चुका है इस टाइम, और मैंने कहा कि मैं अपना व्लॉग शुरू कर लूँ व्लॉग। तो मैंने अभी भी वजू किया कि अभी शाम की नमाज नहीं, तो मैं जल्दी से वजू कर लूँ। आज हम आपको पीछे से अपना पूरा घर दिखाएंगे, ये देखें जी, ये देखें कैसे, ये देखें जी, मैंने अपने घर में इतना खूबसूरत सा गार्डन रखा हुआ है, ये देखें जी। और जो भी आता है कहता है बहुत ही खूबसूरत उनका घर है, पौधे ही पौधे लगे हुए हैं। और मैंने अपने हाथों से देखा लहसुन भी लगाया हुआ है, वो भी लहसुन लगा हुआ है, धनिया भी लगा हुआ है जी। आज हम आपको ऊपर वाली छत पर ले जाते हैं और दिखाते हैं हम आपको ऊपर वाला छत जी। अब हम आ गए हैं ऊपर वाले छत छत पर, और अब आपको दिखाएंगे ऊपर वाला छत। देखिए ये गार्डन पड़ा हुआ है, कितना अच्छा था, ये सारा गंदा हो गया बारिश पर सारा रंग लग गया है। ये बरामदा वगैरह बना हुआ है, बरामदा, ये देखिए, ये देखें जी, ये कितने प्यारे हैं डिज़ाइन वगैरह, मैंने इस कान के अंदर जुड़वाए थे। देखिए ये बाली वगैरह है, वो तार पड़ी है, मैंने कहा मेरे बाबा कहा मैं बेच ना इसे बेच देते हैं, तो बाबा ने माने कह रहे हमने नहीं बेचनी। देखिए सर्दियां आ चुकी हैं, देखिए आग वाले जलाने के हाल है, देखिए रंग से बड़ा हुआ है। और जी देखिए जी, हम आपको न्यू कचहरी जो है ना वो दिखाएंगे, और हमारा घर जो है न्यू कचहरी की बैक साइड पर है। देखिए जी, ये देखिए जी, आगे वैसे घर बन चुका है, इसलिए कोई इतना खास नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कोई इतना खास छत नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी, और छाते को लोग मुंजी कट्ठी भी करते हैं, बीबियाँ आखन गया पता नहीं रखी पी बहन दे। ये मेरा भाई जो है ना उसे पंजाबी बहुत आती है, अगर आप बोले ना तो ये व्लॉग आपको जरूर बना के दिखाएगा। देखिए जी वो भैंस है, देखिए कि एक जो है ना आदमी जो है उसका दूध दो रहा है, देखिए जी। अब हम आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।